नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा बेस्ट हूँ। बच्चों, सब अपनी फाइल के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कलर्स के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहें। आपको सीधे बैठना है और कार्य करते समय इधर उधर नहीं देखना है। तो बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का पेज 2 खोलेंगे। खोला सभी ने? तो आज हम इस पेज में क्या बनाना सीखेंगे? हम ए से एड़ी बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी। चुप गया कांटा, मुन्ना रोया माने डाटा। ए से एड़ी, चुप गया कांटा, मुन्ना रोया माने डाटा। तो आज हम इस पेज में क्या बनाना सीखेंगे? ए से एड़ी। तो सब अपनी अपनी पेंसिल निकालिए। निकाली सबने अपनी पेंसिल? मैम के साथ साथ आपको लिखना है और बोल बोल कर लिखना है। तो सबसे पहले मैम को देखेंगे, मैम कैसे बना रही है, उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है? चलिए, तो हम पहले फर्स्ट लाइन में पेंसिल रखेंगे और सेकंड लाइन तक एक छोटी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। बनाई आप सभी ने? चलिए, अब हम आगे भी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखेंगे और सेकंड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। बनाई सबने? फिर से बनाएंगे। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखेंगे और सेकंड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। अब हम बिना डॉट के बनाएंगे, इस तरह से। तो आप सभी ने बनाई यहां तक स्टैंडिंग लाइन? बना ली। चलिए, अब हम दूसरी लाइन में बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, पहली लाइन में पेंसिल रखेंगे और सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, इसको जोड़ते हुए। बनाई आप सभी ने? एक बार फिर से देखेंगे मैम को। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखेंगे और सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, इसको जोड़ते हुए। बनाई आपने? चलिए, एक बार फिर से बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन। अब हम बिना डॉट के बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन। बनाई आप सभी ने? सबको सुंदर सुंदर बनाना है। बना लिया? चलिए, अब हम थर्ड लाइन में बनाना सीखेंगे। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको जोड़ते हुए एक स्लैंटिंग लाइन थर्ड लाइन तक। फिर सेकेंड लाइन पर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, उसको जोड़ते हुए। बनाई सभी ने? एक बार फिर से देखेंगे मैम को। स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे फर्स्ट से सेकेंड लाइन तक, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। फिर सेकेंड लाइन पे इसको जोड़ते हुए एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। बनाया सभी ने? चलिए, आगे भी बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे फर्स्ट से सेकंड लाइन तक, फिर सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। फिर सेकंड लाइन में एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, इसको जोड़ते हुए। अब हम बिना डॉट के बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन और बीच में इसके एक स्लिपिंग लाइन। बनाई आप सबने यहां तक? बना लिया? चलिए, अब हम
फोर्थ वाली लाइन में बनाएंगे। देखिए ध्यान से मैम को, फर्स्ट लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे, सेकंड लाइन तक एक्सटेंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक्सलेंटिंग लाइन बनाएंगे, इसको जोड़ते हुए, फिर सेकंड लाइन पे एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, फिर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक एक्सटेंडिंग लाइन और बनाएंगे स्लिपिंग लाइन को जोड़ते हुए, और इसके ऊपर फर्स्ट लाइन पे हम एक स्लिपिंग लाइन बना देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, ए से एडी, ए से एडी। तो बनाया आप सभी ने ए से एडी। चलिए हम हाँ एक बार फिर से देखेंगे मैम को कैसे बना रही है। फर्स्ट लाइन पे हम पेंसिल रखेंगे, फिर सेकेंड लाइन तक एक्सटेंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, फिर सेकेंड लाइन पे एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे छोटी, फिर फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक एक्सटेंडिंग लाइन बनाएंगे स्लिपिंग लाइन को जोड़ते हुए, और इसके ऊपर हम एक स्लिपिंग लाइन बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए से एडी, ए से एडी। तो यहां तक बनाया सभी ने ए से एडी, बना लिया। तो चलिए अब हम आगे भी ए से एडी बनाएंगे। फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखेंगे, सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद हम बीच में सेकेंड लाइन पे एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी, और इस स्लिपिंग लाइन को जोड़ते हुए फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और ऊपर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ए से एडी, ए से एडी। तो चलिए एक बार हम बिना डॉट के बनाएंगे। देखिए फर्स्ट लाइन पे पेंसिल रखेंगे, सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, फिर सेकेंड लाइन पे एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, और फिर फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक एक स्लिपिंग लाइन को जोड़ते हुए एक स्टैंडिंग लाइन, और इसके ऊपर हम एक स्लिपिंग लाइन लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, ए से एडी, ए से एडी। तो यहां तक बनाया सबने ए से एडी, नहीं बनाया तो जल्दी बनाइए, मैम इंतजार कर रही है। बना लिया। अब हमें क्या करना है, पेज नंबर 3, वो आपका अभ्यास कार्य है, वो आपको बाद में करना है, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो उस पेज और इस पेज जो अभी हमने कक्षा कार्य में करा, इन दोनों की फोटो खींचकर मैम को व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है बच्चों, शाबाश।